अकोला शहर में 13 कंटेनमेंट जोन है, जिसे लेकर महानगर पालिका आयुक्त तो संजय कापड़िस ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत कंटेनमेंट एरिया से किसी को भी बाहर जाने अथवा भीतर आने से मना किया गया है। अकोला शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जिन परिसरों में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उन एरिया को महानगर पालिका द्वारा सील किया गया है। वर्तमान समय में अकोला शहर में 13 कंटेनमेंट जोन है। इन कंटेनमेंट जोन के नागरिकों को इस क्षेत्र से बाहर निकलने पर पाबंदी है। ना तो कंटेनमेंट जोन से बाहर आया जा सकता है और ना ही कंटेनमेंट जोन के भीतर जाया जा सकता है, जिसे देखते हुए मनपा आयुक्त ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत केवल अत्यंत आवश्यक मेडिकल कारणों के चलते कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के भीतर जीवनावश्यक किराना दुकानों को खोला जा सकता है। शर्त केवल यही रहेगी कि किराना दुकानदार कंटेनमेंट जोन के भीतर रहकर ही अपना व्यवसाय करे। इस प्रकार की जानकारी मनपा आयुक्त संजय कापड़िस ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी है। अकोला सिटी में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए सिटी में अभी 13 कंटेनमेंट जोन किए गए। कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई बाहर से कोई जा नहीं पाएगा, कंटेनमेंट जोन के अंदर से बाहर कोई आ नहीं पाएगा। कंटेनमेंट जोन से सिर्फ एंड सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ही आदमी बाहर जा पाएगा, उसको वो सहूलत है। दूसरी चीज ये कि कंटेनमेंट जोन में जीवनावश्यक वस्तु जो है, एसेंशियल सर्विसेज, वो मिलनी चाहिए। इसीलिए कंटेनमेंट जोन में जो किराना दुकान है, इसेंशियल आइटम के दुकान है, इन एक खोलने के लिए परमिशन है। सिर्फ इतना है कि कंटेनमेंट जोन रहने में ही वो दुकानदारों ने रहना चाहिए। अगर कंटेनमेंट जोन में दुकान है और दुकान में काम करने वाले दुकानदार ये सब कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, तो उनको इसेंशियल सर्विसेज की किराना दुकानें उगड़ने की सहूलत है, वो वैसे दुकानें खोल सकते हैं।